हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रूफ करना है कि टोटल का वैल्यू को लाना है हमको -1/2 प्रूफ करना। तो फर्स्ट साइन स्क्वायर अपॉन 6 साइन 30 देंगे। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 10 पाई/4 और 10 पाई/4 का मान 1 और ये जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, टोटल ऐसे ले लेते हैं 4 4 और नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, उनका टोटल एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 + 1 - 4 हो जाएगा, ये ऐसे में आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो क्या बचेगा उनका 2 - 4/4। ये माइनस हो जाएगा तो -2/4 कट जाएगा, तो -1/2 ये से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन का वैल्यू ला रहा था 1/2 ला रहा माइनस में, तो ये वैल्यू जो आ रहा था -1/2 आ रहा, मतलब cos 30 डिग्री 1/2, cos 60 1/2, cos 45 1, टोटल का होल स्क्वायर को करके 1/2 का 4, 1/2 का 4 और 1 का स्क्वायर 100 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड जो है उनका 2 sin² π/6 π/6 तो मतलब क्या होगा उनका 30 डिग्री, cos 30 का sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर दिया हुआ है उनका 2 से हो जाएगा प्लस cos 6 7π/6। अब यहां देखिए cos 6 7π/6 कैसे चेंज करेगा, cos 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको 180 से आगे 180 से पीछे उसी में उनको देखना है वैल्यू से कितना आएगा होगा, तो ये क्या होगा पाई के साथ माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस कर देते हैं तो +5/6 हो जाएगा। तो cos 6 पाई +5/6 का मान जो है वो 7/6 हो जाएगा, 6 पाई और +5 7π हो जाएगा। और यहां क्या होगा cos स्क्वायर π/3 π/3 60 डिग्री और जो 60 का मान 1/2 और इसका क्या हो जाएगा और इसका क्या होगा 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 cos 6 पाई प्लस π/6। अब इधर ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई से ज्यादा हो रहा है, जब पाई से ज्यादा हो रहा है तो ये घर क्या होगा, यहां पर क्या होता है, यहां साइन और कॉसेक प्लस होता है, इस घर टेन और कॉट प्लस होता है, तो ये पाई से ज्यादा हुआ ये किस घर में चला गया, इस घर में यहां पाई होता है, ये तीसरा घर में चला गया। अगर थर्ड घर में हो गया तो इस घर में साइन का मान और कॉसेक का मान माइनस होता है, इसे जो कॉसेक का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा उनका कॉसेक स्क्वायर -π/6। किस कारण से थर्ड पॉइंट में साइन और कॉसेक का मान माइनस होता है इसलिए, और × 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब यहां देखिए इसको 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा हम लोग का, ये 1/2 आ गया प्लस कॉसेक में माइनस, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक थीटा होता है तो माइनस क्या होता है कैंसिल होता है, साइन में कॉसेक में दोनों में माइनस कैंसिल हो जाता है, तो कॉसेक और कॉसेक π/6 जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया, और कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2/1 होता है, तो 2/1 का होल स्क्वायर × 1/4 हो गया, और 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 1/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा उनका 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 + 1। इसको सॉल्व करने पर कितना वैल्यू इसका ये हो जाएगा 3/2 ये प्रूफ करना था। तो है क्या क्वेश्चन में कि वैल्यू तो क्या π/6 जो वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है ये डिग्री में नहीं रेडियन में फॉर्मेट में रेडियन का वैल्यू लगाना पड़ेगा कि sin π/6 1/2 होता है। एक क्वेश्चन करना है इसको कैसे सॉल्व करना है 7π/6 है तो उसको पाई के साथ माइनस या पाई के साथ प्लस करना है, तो पाई के साथ प्लस करने पर जो वैल्यू आता है कॉसेक भाई थर्ड पॉइंट में चला जाता है, थर्ड पॉइंट में कॉसेक का मान क्या होता है माइनस में आता है, तो माइनस होता है कॉसेक माइनस जो है वो प्लस में होता है, तो हम लोग वैल्यू जो है सो प्लस लिखता है हम लोग को, इसको पहले लिखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और जो होगा 2 3 और 4 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, प्लीज राइट डाउन कीजिए।